पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बिलारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक आरक्षी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बिलारी कोतवाली में तैनात आरक्षी के पद पर एक सिपाही अपना खाना खाने के लिए थाने से निकला था, लेकिन हादसे में शिकार होने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने भी उसे टक्कर मारी थी। हालांकि पुलिस इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस दर्दनाक हादसे के बतौर जांच कर रही है। देखना होगा कि सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है, लेकिन इस वक्त मुरादाबाद में शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान। बिलारी कोतवाली में तैनात सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब सिपाही बीती रात खाना खाने के लिए थाने से गाड़ी में सवार होकर निकला था, लेकिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और पेड़ से जा टकराई, जिसमें गाड़ी सवार सिपाही की मौत हो गई। पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बीती रात्रि में थाना बिलारी कार्यालय में नियोग हमारे साथी एक आरक्षी चंद्रशेखर नाम के, जो डाक का कार्य देखते थे, और वो उसी दौरान रात्रि में खाना खाने के लिए होटल पर जा रहे थे। अकेले गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी एक पेड़ से टकराई है और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। सर, पता चला है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, इसकी बात पेड़ से टकराई है। अब अज्ञात वाहन के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गाड़ी पेड़ से टकराई हुई अवस्था में मिली है पुलिस को, तो अभी आगे की छानबीन जारी है।